अलॉय व्हील है वो लग चुकी है, जो कि आपको कार भी बहुत अच्छे रेट पे प्रोवाइड करवाता है। होता है कि लोग मतलब बताते कुछ और है या डिस्काउंट देते कम है या कुछ बता देते हैं, लोगों को मतलब गुनाह वाली बात हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ हमारे साथ? नहीं 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 बिल्कुल, बहुत फुली सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप आइए और अच्छा काम है। 2 32 2 GB RAM 32 GB इंटरनल विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपका सपोर्ट करता है। आप ये सीट के बाद हम लोग लाइफ टाइम वारंटी के साथ देते हैं कि अगर ये सीट का आपके कट जाए फट जाए तो कहीं से लेकर कहीं तक आप इस सीट को चेंज करवा सकते हैं। इसका भी थ्रेडिंग का वर्क है कितना ऑसम हुआ है, कहीं से आपको साइड में ऐसा नहीं है कि कोई रिंकल देखने को मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ कार बीच। आज आपके सामने अगेन व्हाइट कलर ग्रैंड विटारा सिग्मा मॉडल का नया मॉडिफिकेशन बेस टू टॉप हुआ है और मेन काम हुआ है इसके इंटीरियर में। भाई इसका टैंगी 10 कलर का इंटीरियर आज मैं तैयार किया है विद ऑल सीट कवर्स, डोर, फ्रंट डैशबोर्ड एंड साइड पैनल्स। इसके साथ में पूरा वर्क है उसका कंप्लीट किया है। पहले मैं आपको इसका एक्सटीरियर का जो लुक है वो देता हूँ, इसके बाद आपका इंटीरियर का वर्क है वो आपको पूरा दिखाऊंगा। साइड की बात करें, साइड में अपने दो वाइजर लगे हैं जो कि नेक्सा जनरल रहते हैं और जिसमें आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल जाता है ऑन एमआरपी। इसके अंदर हम फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में जो हेडलाइट ग्लॉसी है पियानो ब्लैक ये रहने वाली है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं सभी नेक्सा के जो चिपकाने वाली एसेसरीज होती है, इसमें आपको एक क्रोम का पियानो ब्लैक दोनों का ही जो ऑप्शन है वो अवेलेबल आपको मिल जाता है। इसके अंदर जीवा की 180 वॉट की हेडलाइट एलईडी इंस्टॉल की है। साइड रिले का जो काम हुआ है वो इसके अंदर हुआ, जिसमें आप गाड़ी अगर लॉक करते हो तो आपके जो ओआरवीएम है वो अपने आप ही ऑटो फोल्ड हो जाएंगे और अगर आप गाड़ी अनलॉक छोड़ के सीसे नीचे करते हो तो लॉक करते ही सारे सीसे अपने ऊपर चढ़ जाएंगे, तो वो मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। बाकी इसके अलावा इसमें नेक्सा जनरल जो अलॉय व्हील है वो लग चुकी है, जो कि आपको कार भी बहुत अच्छे रेट पे प्रोवाइड करवाता है। अलॉय व्हील का फुल स्टॉक जो है अपने वापस आ चुका है। तो अपने जो एक्सटीरियर में इतना काम हुआ है, इसके अलावा यूनो मिंडा का पीछे बैक कैमरा लगा है, उसकी जो क्लियरेंस है वो मैं आपको अंदर बैक करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसका इंटीरियर चेकआउट करवाता हूँ कितना अमेजिंग इंटीरियर रहने वाला है और फिर आपको अंदर बैठ के जो म्यूजिक है वो सुनाते हैं इसके अंदर। भाई ये इसका 10 ग्लैक के अंदर जो इंटीरियर है वो तैयार हुआ है, जिसपे आप जो थ्रेडिंग का वर्क है वो देख सकेंगे, बिल्कुल जो अमेजिंग वर्क होता है सेम टॉप मॉडल जैसा वो हुआ है। इसके सेम मैचिंग में जो अपना डैशबोर्ड वाला पीस है जो कि बड़ा पीस होता है वो भी हुआ है और साथ ही साथ इसके सेम कॉम्बिनेशन में जो अपने सीट के पास आते हैं लाइफ टाइम वारंटी वाले वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की बात कर, नीचे अपने 4mm डाई वाली फ्लोरिंग हुई है। तो भाई अगर आपको इंटीरियर चेक करना है तो आप एक व्यू लेके चेक कर सकते हो कितना अमेजिंग जो इंटीरियर का वर्क है वो हुआ है। चाहे बात करें अपने सॉफ्टनेस की, जैसे कि ये अपना सॉफ्टनेस का पीस हुआ है, तो साथ ही साथ जो पूरा आपका तो साथ ही साथ बात करें तो आप जो इसकी थ्रेडिंग का वर्क है ना वो चेक कर सकते हैं कि कहीं से लेकर कहीं तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम आपने कहीं अनप्रोफेशनल से कराया है या कहीं आपने ये काम ऐसे ही करा लिया। आपको प्रॉपर जो इसमें फील है, फिनिशिंग है, सेम टॉप मॉडल जैसी दिखेगी। इसके अलावा जो टॉप मॉडल में पियानो पीस आता है अपना, जो कि यहाँ तक रहता है पियानो, आप वो भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ जो इसके अंदर का पियानो है वो भी करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ अपना यहाँ तक हुआ है क्योंकि सेम इसको लुक देता है टॉप मॉडल की तरह। बाकी इसके अलावा जो इसमें इंटीरियर किट आती है आप चाहे तो वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। और अब मैं आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है। तो इसके बाद अगर मैं आपको इंटीरियर से जो इसका वर्क हुआ है लेदर का वो चेक कराऊँ तो वो भी आप चेक कर पाएंगे कि इसका भी थ्रेडिंग का वर्क है कितना ऑसम हुआ है। कहीं से आपको साइड में ऐसा नहीं है कि कोई रिंकल देखने को मिलेंगे या कुछ ऐसा वर्क नहीं है कि आपको लगेगा कहीं से फूल रहा है या कहीं से कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीस बाहर निकल रहा है, वैसा कुछ सीन नहीं है। बिल्कुल जो इंटीरियर है सेम टॉप मॉडल जैसा बनाया है। हम लोग क्लेम करते हैं कि हमने ग्रैंड विटारा में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कलर्स के इंटीरियर हम लोगों ने तैयार किया है। लगभग हम लोगों ने 10 कलर के इंटीरियर है वो तैयार किया है आज तक, नो कंप्लेंट के साथ हम लोग इंटीरियर के मामले में नंबर वन पे चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये वाला पीस हम लोग नहीं बनाते थे, लेकिन अब ये भी खोल के हम लोग बनाने लग गए हैं, जिससे गाड़ी में एक आपको पूरा कॉम्पैक्ट और एक अच्छा इंटीरियर देखने को मिल जाता है। बात करें इसके अंदर तो हमने इसके अंदर अल्फा मॉडल का जो स्टीयरिंग है वो लगाया है, जिसमें आपको जो कॉलिंग बटन है एक्स्ट्रा वो मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल का जो डमी पीस है वो मिल जाता है और डबल टोन के अंदर इसको रैप किया है, जो कि आपको देखने में इतना लाजवाब लग रहा होगा कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब स्टीयरिंग रैप करने के बाद आपको जो ड्राइविंग कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ आपको अगर कलर मैचिंग की बात करें तो आप ये देखेंगे कि दोनों का सेम कलर मैचिंग हुआ है, साथ ही में आपका जो पावर विंडो का पार्ट है वो भी पियाने आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें जो सीट कवर इंस्टॉल किया है ये फुल बकेट सीट कवर रहते हैं और हमने मार्केट में कई जगह सीट कवर देखे हैं या कई वीडियो में देखते हैं हम लोग कि सीट कवर से पीछे रिंकल दिखने लग जाते हैं, हेडरेस्ट पे रिंकल दिखने लग जाते हैं। ये सीट कवर हम लोग लाइफ टाइम वारंटी के साथ देते हैं कि अगर ये सीट कवर आपके कट जाए फट जाए तो कहीं से लेकर कहीं तक आप इस सीट को चेंज करवा सकते हो। बात करें डिज़ाइन की तो इसके अंदर हमने ऊपर बर्फी डिज़ाइन दिया है,
जो कि बहुत अच्छा लुक देता है, और साथ में बीच में हमने इसमें वेंटिलेशन दिया है ताकि आपको जो सीट पे पसीना आगे पसीने आने की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ना आए। तो सीट के साथ बैठ के आपको दिखाऊं तो बहुत अच्छा जो कंफर्ट है सीट को हमें वो आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में हमने इसमें जो कैबिन लाइट है वो भी हमने वाइट कर दी है भाई, और कैबिन लाइट वाइट होने के बाद जो आपका पूरा इंटीरियर है वो तैयार हो गया। ये भी जो दो पीस है अपने ये भी इसके अंदर हमने कर दिए, साथ में आप चाहे तो यहाँ भी लगवा सकते हैं, लेकिन कस्टमर का जो ये चीज़ थी ये ब्लैक थी दोनों साइड की, दोनों का मेरे को मैचिंग में ब्लैक ही रहने दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है कि आप सीट के पास कोई भी चाहो तो कस्टमाइज करवा सकते हो, ये आपके डिपेंडेंसी के ऊपर है। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो आप हमको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जिससे हम आपको अच्छा जो है एक्सपीरियंस अच्छी चीज़ है वो प्रोवाइड करवा सके। भाई इसमें हमने जो सिस्टम लगाया है वो यूनो मिंडा का लगाया है, 2/32 GB रैम, 32 GB इंटरनल विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपका सपोर्ट करता है। ये आपको जो इसकी MRP रहती है वो आपकी रहती है 24,990 रुपये, लेकिन ये आपको मेरे पास बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला है। देखिए हम लोग हमेशा से ही ब्रांड पे डील करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही अपनी गाड़ी में डलवाए। सस्ते एंड्रॉइड चीप एंड्रॉइड डलवा के कोई फायदा नहीं है, डलवा रहे हैं तो ब्रांडेड एंड्रॉइड डलवाइए। स्पीकर्स के मामले में हमने इसके अंदर JBL के स्ट्रैक 3 किए हैं, पीछे इसके कॉइजल किए हैं, और साउंड आउटपुट इतना बढ़िया बन गया है गाड़ी का कि आपको अगर मैं अभी म्यूजिक सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी के अंदर कितना तगड़ा साउंड आउटपुट बना है। स्पीकर्स में हमारे पास कई सारी वैरायटी रहती है, जैसे कि मोरेल के MK3 हो गए, DD ऑडियो, JBL, इन्फिनिटी, पंक ऑडियो, लगभग हर कंपनी के जो स्पीकर्स है वो आपको मेरे को देखने को मिल जाए वो आपको मेरे पास मिल जाते हैं। अगर कोई कंपनी के स्पीकर्स ना मिले तो आप मेरे को फ़ोन करके अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, मैं आपके लिए वो भी अरेंज करवा दूंगा। तो ये तुमने बात रहती है सिस्टम की। तो आगे इसमें हमने जो JBL का कंपोनेंट लगवाया है, अब कई जगह मैं देखता हूँ कि जैसे अपना ये स्टॉक आता है ट्यूटर का कवर आता है, इसमें लोग ये छेद करके बाहर से लगा देते हैं, हमने जो इसके प्रॉपर लगाया है वो ट्यूटर स्पेस के साथ लगाया है, जिसमें आपको सेम ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कहीं बाहर से लगवाया हुआ है। अगर गाड़ी बेस टू टॉप की है तो मतलब पूरा ही बेस टू टॉप का काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं है कोई काम छोड़ देंगे, या ऐसा नहीं है कस्टमर को बेवकूफ़ बनाकर कुछ भी चीज़ दे दी, हर चीज़ अपने पास अवेलेबल है, अच्छे रेट में अवेलेबल है। बाकी एक इसकी जो इंटीरियर किट आती है वो भी हमने चेंज की है, जिसमें आपको जो वेंट है ये देखने को मिल जाता है, ये वेंट मैट का रहता है, हमने इसमें ग्लॉसी चेंज किया है। अब इसमें अभी तो 4-5 चेंज हुए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपका ये रहा, सेकंड पार्ट अपना ये कि वेंट होता है, अगर इसमें ये वाला पार्ट आपको कहीं पे फुल ब्लैक मिले तो समझ जाओ भाई नो डाउट हार्डवेयर डिप वाला पार्ट है, क्योंकि जेन्युइन में ये अपना सिल्वर ही आता है। एक ये ग्रे बॉक्स के नीचे वाला पार्ट होता है, इसके अंदर भी आपको देखेंगे तो सिल्वर की जो फिनिशिंग है, सिल्वर की जो फिनिशिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही 4 वेंट आपका वो रहा, इसमें जो दो पीस आते हैं वो अपने शॉर्टर चले आते हैं, लेकिन वो कस्टमर के नीड पे हमने इस पे जो इसके ऊपर जो कपड़ा है वो चढ़ा दिया। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको किट 6 पीसेस की वो 3,000 रुपये में कार बीस मिलती है, और जो अलॉय व्हील्स है वो भी आपको बहुत अच्छे रेट में मिलते हैं। तो ये अपना गाड़ी में कुछ इंटीरियर काम हो गया, बाकी इसके अंदर हमने फ्रंट USB लगाई है जो कि जेन्युइन फ्रंट USB रहती है, अगर आफ्टर मार्केट लेनी है आपको वो भी अवेलेबल है, लेकिन आप जनरल ले तो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमने जो है पीछे बैक USB का जो ऑप्शन है इसमें आपको टाइप सी और USB दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाती है, बैक USB, फ्रंट USB, और गाड़ी पूरी बन चुकी है टॉप मॉडल। पीछे से हमने एक पार्सल ट्रे लगाई है और बूट मैट लगाई है, बाकी आगे अभी हम इसमें GFX के जो मैट होते हैं वो डालेंगे, अपने पास मैट में 70 और GFX दोनों ही अवेलेबल है। तो अब आपको इसका पहले म्यूजिक का टच रिस्पॉन्स सुनाते हैं, साथ ही साथ हमने इसमें M-Trax कंपनी की जो कि हमारी बहुत अच्छी डैम्पिंग है, M-Trax की गोल्डन सी डैम्पिंग की है, डोर लेयर डैम्पिंग है, पीछे डिक्की में भी डैम्पिंग की है, तो पूरी गाड़ी हमने डैम्प कर दी है इसके अंदर, और साउंड बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा है। अब लोग पूछेंगे डैम्पिंग का फ़ायदा क्या है, तो अगर मैं कांच नीचे करके दिखाऊँ तो यहाँ कैमरा ला के दिखाऊँगा आपको, अभी आपको आवाज़ देखने को मिल जाएगी कि जैसे मैंने कांच किया ऊपर अपना, साउंड प्रूफ जो है वो चीज़ बन जाती है। तो अभी इसमें हम लोग जो अपना फ़ोन है कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसका साउंड आउटपुट कितना बढ़िया है। भाई हमने अपना फ़ोन जो है वो इसके अंदर कनेक्टेड कर लिया है बाय BT, और अब आपको इसके अंदर जो गाना है वो सुनाते हैं पहले कि गाना कितना अच्छा रहने वाला है। तो ये हमने इसमें गाना चला दिया, सुना, और भाई
अमेजिंग जो साउंड आउटपुट है वो JBL ने निकाल के दिए, JBL ट्रस्टेड ब्रांड है, अच्छा जो आउटपुट है वो गाड़ी के हिसाब से डिसेंट साउंड, बहुत ऐसा नहीं कहूंगा कि हाई एंड साउंड है या बहुत मैं कहूंगा लो साउंड है, मीडियम साउंड है, अच्छा है, सुनने लायक, सुनने और सुनाने लायक साउंड है ये। इसके अलावा इन सब काम के साथ जो हमारी फ्री आइटम रहती है जैसे कि बूट लाइट, गेन ऑफ जो कि ये रही टॉप नॉट की गेन ऑफ रहती है, बाकी अपना जो ये बूट लाइट है ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। एक्चुअली इस गाड़ी में खुली नहीं थी और लेकिन आप इसको जाके सर्विस सेंटर चेंज करवाते हो, हमने भैया को ये दे दिया है और चाहे तो मैं सर्विस सेंटर इसको लगवा सकते हैं। तो भाई गाड़ी का आपने जो काम देखा, गाड़ी के प्राउड ओनर भैया अपना नाम बताए प्लीज एक बार। मेरा नाम कुलदीप कुमार शर्मा है। भैया कुलदीप भैया कहाँ से आए हैं? मैं भिवाड़ी से आया हूँ, राजस्थान से। भैया की आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी। भैया भिवाड़ी राजस्थान से आए हैं। भैया कार बीस्ट का कैसे पता लगा आपको? कार बीस्ट का मैंने पहले यूट्यूब पर ही देखा था और जब यहाँ पे आया हूँ तो जो देखा था उससे ज्यादा बढ़िया लगा। मतलब भैया ऐसा होता है कि लोग मतलब बताते कुछ और है या डिस्काउंट देते कम है या कुछ बताते लोगों को, मतलब गुनाह वाली बात हो जाती है, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ हमारे साथ? नहीं 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 बिल्कुल, बहुत मतलब फुली सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप आइए और अच्छा काम है। भैया गाड़ी सुबह 9 बजे आई थी और भैया 9 बजे छोड़ दिए, 12 घंटे का प्रोसेस था इनका, जिसमें इनका इंटीरियर एक्सटीरियर और सारा जो है इनका म्यूजिक का काम हुआ और भैया सारा काम कपड़े टू कपड़ा आपके सामने हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी काम है उसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी रहती है, कस्टमर को दिखा के हर काम किया जाए। और जो इंटीरियर कलर है वो भैया ने खुद ही सेलेक्ट किया, आप जान सकते हैं कि मतलब कैसा इंटीरियर होने के बाद, आपने कैमरे में देख लिया, अब बाय ओनर के मुंह से भी आप सुन सकते हैं वो चीज। बहुत बढ़िया काम किया और बहुत जितना टाइम बोला था उतना टाइम में काम करके दिया, थोड़ा सा बारिश की वजह से हल्का सा डिले हुआ बट बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट टाइम आपको ये गाड़ी जो कि भिवंडी नंबर आने वाली है, इसमें एक पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसके अंदर हम लोग उसको जो इंटीरियर इसके अंदर कुछ और चेंजेस सोच रहे क्या कर सकते हैं, वो आने के बाद भैया से फिर सेम फेस पे आपसे मिलेगी। तो आप किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए और किसी भी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई बिवेयर हो, मार्केट में जो स्कैम्स हो रहे हैं इन सब चीज़ों से अच्छी चीज़ लगाओ, बढ़िया चीज़ लगाओ, सिंगल टाइम लगवाओ। बाकी होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे जो कार बीट ऑफिशियल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक शेयर अपने ज्ञान उठा के दोस्तों के साथ कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसा काम करवा सकते हैं। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।